वापसी के बाद आम आदमी ने ये आरोप लगाया कि मैं सीएम फेस बनना चाहता था और 15 लोगों की टिकटें मांग रहा था। 6 महीने से वहां तय था उसका फेस, लोगों को पूछ के नहीं, वो तय था वही बताया लोगों को। और जो 15 टिकटें मैं मांग रहा था तो वो मेरी नहीं मांग रहा था, जहां मजबूत लोग थे आम आदमी पार्टी के थे, वो मजबूत लोग को छोड़ के जो भाजपा को उपयोग में आ सके ऐसे लोगों को टिकटें दे रहा था। तो मैंने वहां मेरा स्टैंड लिया था, क्योंकि मैं कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए गया था, कांग्रेस को नहीं। लेकिन मुझे बोला गया कि वो इतनी जिद मत करो, छोड़ो, ऐसा ही चलता है, कमलम से लिस्ट आता है, थोड़ा बहुत वो भी करना पड़ता है करके। दूसरी बात, मैं इसलिए पार्टी छोड़ी कि ये लोग बोलते हैं कि वो करप्शन नहीं करते हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि इतना सारा पैसा कहां से आ रहा है। अगर करप्शन नहीं होता है तो कहां से आता है? मैंने देखा कि ढेर सारा पैसा आया, कितना था अंदर वो पता नहीं, लेकिन ढेर सारा पैसा आया। मैंने पूछ भी लिया कि भाई कहां से आया, कैसे आया। 1 अक्टूबर को जब दोनों सीएम आए थे तो राजकोट ही आए थे, तब मैंने पूछ लिया कहां से आया, तो इशारों में कह दिया कि ऐसे हम लेके आए। तो ये कैसे लोगों को बेवकूफ बनाने वाली पार्टी है। सही मायने में इसलिए कांग्रेस में मैं आ गया कि कांग्रेस एक सही मायने में देश को गुमराह नहीं करती है, देश को सच बचाने की बताने की हिम्मत रखती है। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।